हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं मोनू सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कभी ये बिजनेस करें कभी वो बिजनेस करें, आखिर में करें कौन सा बिजनेस। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिस पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर मैं कौन सा बिजनेस करूँ, किस कौन सा बिजनेस मेरे लिए बेस्ट है और किस बिजनेस में मैं ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी इसी पर रिलेटेड है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद बेल का भी बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है। नोटबुक लेने के बाद आप उन बिजनेस को लिखने उन आइडिया को लिख ले जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आपके मन में कभी मोबाइल एक्सेस का बिजनेस आता है, कभी कपड़ों की दुकान का आता है, कभी बिजली की दुकान का आता है, तो कभी आप स्टेशनरी का दुकान करना चाहते हैं, तो कभी पूजा की सामग्री का दुकान करना चाहते हैं। वो बिजनेस लिखने के बाद आप एक दिन रुक जाए और उन सारे बिजनेस पे आप अमल करें, सारे बिजनेस पे आप अमल करें, रात भर अमल करें कि आपको इन 5 या 6 बिजनेस में से आपको एक बिजनेस हटाना है। तो जब आप एक रात सोचेंगे इस बिजनेस के बारे में कि आपको कौन सा बिजनेस इसमें से हटाना है, तो आप एक बिजनेस ऑलरेडी कल होके आपके माइंड में आ जाएगा कि ये बिजनेस मुझे इस पन्ने पर से काटना है। आप उन बिजनेस को पन्ने पर से काट दें, ठीक है। अब वो आप 5 बिजनेस मान लीजिए अब आपका बच गया है, अब क्या करें, उसके कल हो गए रात को फिर आप ये माइंड मिले कि आपको इन बिजनेस में से आपको एक बिजनेस और भी काटना है, तो आप उन पे गौर करें, उन पे मनन करें कि आप 5 बिजनेस में से एक बिजनेस कौन सा काटना चाहते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो उन बिजनेस को आप आराम से काट देंगे और कल आपके दिमाग में आ भी जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 3 या 4 बिजनेस बच जाएंगे। अब आप ये देखें कि आपका रुचि किस बिजनेस में ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि आपके माइंड में 2 बिजनेस पे ज़्यादा रुचि है और 2 बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है, तो आप ये देखिए कि आपका बजट कितना है। 2 बिजनेस में आपका बजट फाइनली एक पर आ जाएगा कि आपका बजट इतना है। फिर भी अगर आपका बजट 2 बिजनेस का बजट है, तो आप ये देखिए कि मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है और आपको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है ज़्यादा। उसके बाद आप लास्ट में आप एक बिजनेस के ऊपर आ जाएंगे और आप यही सोचेंगे कि ये मेरा इंटरेस्टेड बिजनेस है और इसका डिमांड मार्केट में भी है, अब आप उसी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपने सोच लिया कि आपको स्टेशनरी का बिजनेस करना है, तो आप उसके साथ कोई मल्टी बिजनेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बजट जो है वो 30,000 रुपये है और आप स्टेशनरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप 25,000 रुपये की स्टेशनरी का सामान लाएं और 5,000 रुपये का गिफ्ट का सामान लाएं और यहाँ पर आपका मल्टी बिजनेस हो जाएगा स्टार्ट। अब आप बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं, चाहे आपका दुकान किसी भी चीज़ का हो, आप सीजनली बिजनेस कर सकते हैं और उस पर और भी पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिकल का दुकान है, मान लीजिए आपका कोई किराना का दुकान है, या मान लीजिए आपका कोई स्टेशनरी का दुकान है। जैसे दीपावली आ रहा है, तो आपके दुकान के आगे थोड़ा बहुत जगह होगा ही होगा, आप वहाँ पर चाहें तो दीपावली का डेकोरेशन लाइट रख सकते हैं, दीपावली के लिए आप मूर्ति भी रख सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी का। अगर होली आता है तो आप होली का सामान रख सकते हैं, अगर दशहरा आता है तो आप दशहरे का सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मल्टी बिजनेस कर सकते हैं। रक्षाबंधन आता है तो आप रक्षाबंधन में राखी का भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं, और आपके माइंड में अब कोई भी सवाल नहीं होगा अगर आप इस तरीके से सोचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आज का इतना ही रहा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।